आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पन्ना जिले के जंगलों से लगे खेतों में जंगली सुअर आए दिन किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को उजाड़ रहे हैं, जिसकी शिकायत वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से करने पर कोई सुनवाई नहीं की जाती, जिससे किसान परेशान है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल और पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे इटवाकला, बराज, डोभा, मुठवाकला, राजपुर इत्यादि का सामने आया है। किसानों ने बताया कि वर्तमान में उनकी गेहूँ की फसल तैयार हो रही है, जिसके दिन रात किसानों के द्वारा रखवाली भी की जा रही है। इसके बाद भी जंगली सुअर रात के अंधेरे में पहुंचकर किसानों की फसल को उजाड़ देते हैं, खेतों को तहस नहस कर देते हैं और खेतों के बीच बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं और सुबह से पहले जंगल की ओर भाग जाते हैं, जिसका मुआवजा देने के बजाय शिकायत करने पर अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ग्राम डोभा के किसानों ने बताया कि आज उनकी फसल को सुअरों द्वारा उजाड़ दिया गया और खेतों में गड्ढे खोद दिए गए, जिससे उन्हें काफी हानि हुई है। वहीं मीडिया के समक्ष पीड़ित किसानों ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। आपकी फसल को कौन नष्ट कर रहा है? जंगली सुअर परेशान कर दिन न रात तक ही, तब भी खजाब वो इतने टहन से गड्ढा करे तो मान रगड़ रगड़ थक गौ सरी। वो जो जंगल विभाग वहाँ से कहीं सुबह नहीं सुन रहे कोई, पटवारी से कहीं सो नहीं सुन रहो कोई। पटवारन भाई आउ थी सुबह बैठता न कह देखते नहीं मिला मुआवजा, वो भाई चले जा सुन के कहा कहा थक गए हम और क्या करें। पटवारी और धमका के चले जाओ, पटवारी और धमका के चलो जा कि इतने को मुआवजा ही नहीं मिल रहा हो तुम बना क्या करे, तक तक रात न दिन हो गए रगड़त रगड़ा। कितने लोगों की फसल नष्ट हुई? पूरी गांव की फसल, सौ सौ सही दो दो सही सुगर आते हैं, इतने सुगर आते कि अथकाई रात हो सकते हैं। पूरी रात भर होते से टहने से गड्ढा कर सार गोहन को रगड़ा उड़ा दो क्या कहते हैं कि इसका मुआवजा नहीं ना, इतने को मुआवजा नहीं बनता है, न सुनता ही नहीं है वे पटवारी न जंगल वाले कोई नहीं सुनता। फसल नष्ट, पूरी फसल नष्ट कर गए। क्या नाम? पप्पू। कहाँ से हैं? डोभा।